हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद क्या क्या खा सकते हैं और आपको कब खाना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं और तुरंत ही डिस्चार्ज होने के बाद पूछते हैं, जैसे ही वो घर पहुँचते हैं कि डॉक्टर साहब अब मैं क्या खाऊँ। मुझे कई सारे कमेंट्स भी आते हैं सेम क्वेश्चन से रिलेटेड। सो देर आर फ्यू जनरल पॉइंट्स या जनरल गाइडलाइंस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इन दिस वीडियो। ये जो आंसर है इसका कि मैं क्या खाऊं, ये हर पेशेंट के लिए अलग है और हर सर्जरी के लिए अलग है। तो मैं एक ऐसा वीडियो नहीं बना सकता हूं जिसमें मैं हर चीज़ का आंसर करेक्टली दे पाऊं, बिकॉज ये आपके डॉक्टर जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है वही आपको सबसे अच्छे से बता पाएंगे कि आपको कब खाना है और क्या खाना है। बट एज अ सर्जन मैं आपको जनरल गाइडलाइंस दे सकता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ऑपरेशन हुआ है। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स का ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल ईसोफेगस का ऑपरेशन यानी कि जो फूड पाइप का ऑपरेशन होता है, या कोई गैस्ट्रिक बाईपास का ऑपरेशन यानी कि स्टमक का कोई ऑपरेशन हुआ हो, या किसी कारणवश आपके स्टमक में इंटेस्टाइन्स में कोई होल हो गया हो जिसको परफोरेशन कहते हैं। अगर ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है आपका, तो आपको कोई भी चीज़ खाने के पहले बहुत सीरियसली सोचना है कि क्या आपको खाना अलाउड है। आपको अपने डॉक्टर से क्लियरली पूछना है कि क्या खाना अलाउड है, और आपको ये भी पूछना है कि कैसे आपको अपनी डाइट को प्रोग्रेस करना है, कि पहले आप पानी पियोगे, फिर थोड़ा नारियल पानी पियोगे, फिर उसके बाद में दाल वगैरह का पानी, चावल का पानी, और उसके बाद में बॉइल्ड वेजिटेबल सूप वगैरह, तब जाके नंबर आएगा सेमी सॉलिड डाइट का और फिर बात आएगी सॉलिड डाइट की। तो स्पेशली अगर आपकी इंटेस्टाइन्स का ऑपरेशन हुआ है, तो जैसा मैंने बताया ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, एंड आपको अपने डॉक्टर से बहुत ही क्लियरली पूछना है कि कब आप कौन सी चीज़ खा सकते हो, कितने दिनों तक आपको क्लियर पानी पीना है, कब से आप नारियल पानी पियोगे, कब से आप चावल का पानी पियोगे वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। अगर आपका GIT का यानी कि कोई भी इंटेस्टाइन्स का ऑपरेशन नहीं हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, फिशर का हुआ है, वेरिकोज वेन्स का हुआ है, जो भी GIT के बाहर के ऑपरेशन हैं, उनमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो। हाउएवर आई विल अगेन से दैट प्लीज़ टेक योर डॉक्टर्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम। जहाँ तक नेक्स्ट बात आती है कि क्या खाना चाहिए, तो क्या खाने का आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा कि आपको रोटी सब्जी खाना अलाउड है कि नहीं, या फ्रूट्स खाना अलाउड है कि नहीं। बट अगेन मैं आपको जनरल गाइडलाइन ये दे सकता हूँ कि जो भी न्यूट्रिशियस खाना होता है वो खाना आपकी बॉडी को कभी नुकसान नहीं करेगा। न्यूट्रिशियस खाना क्या होता है ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम उसको कभी सीरियसली फॉलो नहीं करते। फ्रूट्स खाना अलाउड है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको मीठे फ्रूट्स खाना हो सकता है अलाउड ना हो, जैसे मैंगोज़ या बनानास, बट ओवरऑल अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज़ जैसी, तो आपको सारे फ्रूट्स खाना अलाउड होता है। जहाँ तक रोटी सब्जी की बात आती है, अगेन रोटी सिर्फ खाने से कोई भी आज तक ओवरवेट नहीं हुआ है, कोई भी आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। द पॉइंट इज़ कि लोग रोटी के साथ जो सब्जी वगैरह खाते हैं वो इतनी ज़्यादा कुक्ड रहती है, तेल मसाले वाली रहती है, कि लोगों को एसिडिटी हो जाती है। तो एज लॉन्ग एज योर न्यूट्रिशन हैज़ हाई फाइबर, हाई प्रोटीन एंड गुड क्वालिटी फूड, यानी कि वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जैसे कि मैं ऐसे पेशेंट्स को अक्सर बताता हूँ कि जो पेशेंट वाला खाना रहता है वही सबसे हेल्दी रहता है जो उनको हॉस्पिटल में दिया जाता है, बिकॉज उसमें कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं होती है, फास्ट फूड, तेल मसाला, ये सब उसमें नहीं होता है। और अगर आप ऐसा खाना खाएंगे तो आपका ओवरऑल जब आपकी सर्जरी हो चुकी है, वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई हो जिसके बारे में हम अभी बात करें, या वो ओपन भी सर्जरी हुई हो, तो आपका बॉडी का फ़ायदा ही होगा, बिकॉज आफ्टर सर्जरी न्यूट्रिशन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे घावों को भरने के लिए। सो वॉट योर डाइट शुड हैव इज गुड न्यूट्रिशन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आप क्या खाओ, चाय पियो नहीं पियो, या रोटी खाओ या नहीं खाओ, मैं संतरा खाऊं या एप्पल खाऊं, ये उतना मायने नहीं रखता है। बट मायने ये रखता है कि क्या आपके खाने में न्यूट्रिशन है। अगर आंसर उसका हाँ, येस न्यूट्रिशन है, देन इट इज़ हेल्दी फॉर योर बॉडी। इफ़ इट इज़ लेस न्यूट्रिशियस, जैसे कि बिस्किट, जैसे कि चाय, तो फिर आप वो खाना अवॉइड कर सकते हो। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका ऑपरेशन हो जाता है तो आपको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं, और ये जो मेडिसिन हैं इनके कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उनमें से एक ये होता है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपकी जीभ का टेस्ट चला जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट पीपल स्टार्ट ईटिंग स्पाइसी फूड, या वो एकदम ही खाना बंद कर देते हैं कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही, टेस्ट नहीं आ रहा है, इच्छा नहीं हो रही, तो मैं नहीं खाऊँगा। बट
यू हैव टू रियलाइज दैट आफ्टर योर सर्जरी योर बॉडी इज इन एक्यूट नीड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको टेस्ट नहीं भी आ रहा है तो भी आप खाने को दवा समझ के खा लीजिए। लास्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे याद आ रही है वो है हाइड्रेशन। आप मानो या ना मानो बट हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स जो कॉम्प्लिकेशंस लेके वापस आते हैं, स्पेशली सर्जरी के बाद कुछ दिनों में, यानी कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जो लोग वापस आते हैं वो किसी और चीज़ से नहीं बट डिहाइड्रेशन के कारण ही हॉस्पिटल वापस आते हैं, और हम उनको आईवी फ्लूइड्स देते हैं, सलाइन वगैरह देते हैं और उससे वो ठीक हो जाते हैं। ये सिचुएशन आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप ठीक से घर पे पानी पियोगे और आप अपने डिहाइड्रेशन से अपने बॉडी को बचा के रखोगे। तो आफ्टर योर सर्जरी आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी आई हो कि आपको कब क्या खाना है और जनरल गाइडलाइंस कैसे फॉलो करनी है। स्पेसिफिक गाइडलाइंस और क्वेश्चंस के लिए आप अपने ऑपरेटिंग डॉक्टर या ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए एंड लेट मी नो आप कुछ और जानना चाहेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।